क्या आप एक नाइट क्रीम ढूंढ रहे हैं, वो भी होममेड? आज मैं आपके साथ एक शानदार सी नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो एक्ने स्कार्स वाले भी लगा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा और आपको टाइट स्किन, ब्राइट स्किन और ग्लोइंग स्किन भी देगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माई चैनल एक्शन स्किन। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी सी शानदार सी नाइट क्रीम, जो कि अगर आपके स्किन में एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, अगर आप 30 प्लस हो रहे हैं और आप महंगी महंगी नाइट क्रीम लगाते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि नाइट क्रीम जब तक लगाओ रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हमारी स्किन वहीं की वहीं आ जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ नीम खीरे की नाइट क्रीम, जो कि घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले मैंने लिया है एक खीरा, जिसका मुझे एक चम्मच जूस निकालना है, तो मैंने ग्रेड कर लिया है। और ग्रेड करने के बाद आप देखो कितनी आसानी से ये एक चम्मच जूस निकल आएगा। इसके बाद मैंने घर की बनी हुई नीम लीफ पाउडर था, मैंने उसमें इसको आधा चम्मच डाल दिया है। ये मेरी स्पून जो है वो टी स्पून से बड़ी है, इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है। ये आपकी स्कार्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, कि कोलेजन को बूस्ट करता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये हमारा नीम। आप लगभग 8 दिन के लिए बना के रख सकते हो। इसमें नीम पाउडर डाला है, जिससे ये थोड़ी देर में नीम का सारा अर्क वो है खीरे के जूस में आ जाएगा। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कैरेट की क्रीम बनाना, तो आप जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि कैरेट आने ही वाली है। 2 चम्मच ले रही हूँ एलोवेरा जेल, मैंने खादी का लिया है। अब मैं थोड़ा सा जूस जो नीम और खीरे का है वो स्ट्रेन कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। इसके साथ हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब ये मेरी शानदार सी नाइट क्रीम बनके तैयार हो गई है। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि हम कौन सी नाइट क्रीम लगाएं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब जो लोग नॉर्मल स्किन वाले हैं या ड्राई स्किन वाले हैं, इस 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपकी स्किन जो कि ड्राई है, और ये जो स्किन आपकी ड्राई है बहुत अनइवन सी दिखाई देती है, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व होती है। और ब्राइटनेस देखो, दिख रहा है डिफरेंस? जब ये हाथ में दिख रहा है तो फेस में कितना दिखेगा? आप इस तरह का रिजल्ट अगर चाहते हैं, तो इस क्रीम को एक बार बना के चेक करके मुझे रिजल्ट जरूर शेयर करना। अगर आपको ऐसा सरल और सिंपल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर इसमें कोई सी भी क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, और आपको सनबर्न की प्रॉब्लम से जो आप बहुत परेशान रहते हो, तो शाम को आके कैसे सुबह रिफ्रेश कर सकते हैं स्किन को, फटाफट से एक लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।